डे स्टूडेंट्स इन दिस मोड्यूल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट परस्पेक्टिवाइजिंग ह्यूमन बिहेवियर इससे मुराद ये है कि हम जब इंसानी रवैयों को देखने की कोशिश करते हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं उनको एक्सप्लन करने की कोशिश करते हैं तो हम उनको एज़ एन इंडिपेंडेंट इंडिविजल बिहेवियर या इंडिपेंडेंट इंडिविजल एक्शन के तौर पर नहीं देखते हैं बल्कि उनको एक ख़ास कॉन्टेक्स में एक प्रोसेस के हिस्से के तौर पे देखते हैं हमें चीज़ों को देखने का माशरों को देखने का जो अंदाज़ है वो हमारा मुख्तल हो सकता है नस्बता एक ऐसे शख्स के जो ज़्यादा क्रिटिकल है या एक ऐसे शख़्स के जो ज़्यादा पॉजिटिविस्टिक है तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इंसानी रवैयों को डिफरेंट एंगल्स से डिफरेंट अंदाज से देख सकते हैं ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और उसके हवाले से अपना जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सो अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग सोशल कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। सो बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट और बीइंग अ सोशोलॉजिस्ट वी डू नॉट कंसीडर दैट वन टिपिकल फैक्टर और वन टिपिकल फोर्स कैन एक्सक्लूसिवली और कैटेगोरिकली बी इन्वॉल्व इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स हो सकता है कि मल्टीपल फैक्टर्स हों हो सकता है हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो ना आ सकें जिन जो रेली really, टिपिकली जो है वो उस रवैये को कॉज कर रहे हैं तो बाज़ात ये होता है कि चीज़ों को देखने के अंदाज़ जब बदल जाते हैं तो उनके हवाले से हमारी ओपिनियन या हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बदल जाती है सो रिकोगनाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एजेंसी एंड फ्री विल इन शेपिंग द बिहेवियर Uh, इंसानी रवैयों को देखने का सोशोलॉजी की फील्ड में एक अंदाज़ ये भी है कि हम उसको जो है वो एजेंसी और फ्री विल के तौर पे भी देखते हैं कि यानी इससे मुराद ये है एंथनी गिन्स का ये एक मेथड है कि इससे मुराद ये है कि हम ये देखते हैं कि क्या इंसान मजबूर महज है क्या डिटर्मेंट बाय द स्ट्रक्चर है वो जो कुछ भी करता है वो मुशरे के ज़ेर असर होता है माशरे में मौजूद जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उसको मजबूर कर देते हैं उस एक्शन को कमिट करने में या वो अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करता है उसके अंदर से जो है वो फैक्टर्स या मोटिव्स जो हैं वो निकलते हैं जो उसको मजबूर करते हैं इस तरह का एक्शन करने में तो एक चीज़ों को देखने का ये अंदाज है फिर एग्जामिनिंग द इंटरप्ले बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटल फैक्टर्स इन शेपिंग द बिहेवियर हम माशरे का और फर्द वाहिद का जो आपस का ताल्लुक है उसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे कि हम सिम्बॉलिक्ट्रैक्शनज़म में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इंसान जो फ़र्द वाहिद है उसका जो उसके ग्रुप के साथ ताल्लुक़ है वो किस बुनियाद पे कायम होता है उस ताल्लुक की बुनियाद पे आगे क्या एम्प्लीकेशनस डिवेलप होती हैं और ख़ास तौर पर ये जो प्रोसेस है जिसमें इंडिविजल और ग्रुप जो है वो आपस में इन्वॉल्व हैं इस सारे प्रोसेस की रीजनिंग जो है वो किस तरह से डेवलप की जा सकती है देन अप्रीशिएटिंग द डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इज नॉट सो सिंपलिस्टिक इट इज़ नॉट अनलाइक द अदर नेचुरल साइंस फिन के जिसमें हम किसी भी एक एस्पेक्ट को फोकस करके उसको टिपिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको हम लेबॉर्ट्री के अंदर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंसानी रवैये जो हैं उससे मच मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें ज़्यादा मसला ये होता है कि इंसान के उस रवैये को किसी भी लैब के अंदर रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता मसलन कहीं पे जो भी रवैया कर हो रहा है वो नेचुरल प्रोसेस का हो, हिस्सा होता है माशरे के अंदर जो है शादियाँ क्यों होती हैं महंगाई क्यों होती है लोग आपस में लड़ते क्यों हैं आपस में दोस्तियाँ ताल्लुक रिश्ते किस तरह से बनाते हैं ये सारे प्रोसेस जो हैं ये हम किसी एक लैब के अंदर रिकन्स्ट्रकट नहीं कर सकते इनको इसी नेचुरल इन्वामेंट के अंदर एट द सेम टाइम जैसे जैसे वॉकर हो रहे होते हैं जैसे जैसे उनमें तब्दीलियाँ आ रही होती हैं हमें उसी नेचुरल इन्वामेंट में इनको ऑब्ज़र्व करना होता है सो दिस अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू दी अदर फिन इन द नेचुरल वर्ल्ड एंड देन रिकोगनाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पावर एंड इनिटी ऑन इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर तो जैसे हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि पावर ऑफ और इक्वालिटी का आपस में ताल्लुक़ क्या है और ये किस तरह से माशरे के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जो है वो मौजूद होती है कैसे ख़ास ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप को स्नब करता है या सबॉर्डीनेट करता है और कैसे जो है वो पावरफुल पोजिशन बाकीों के रवैयों के ऊपर असरानंदाज होती है तो यूजिंग डिफरेंट थ्रेटिकल परस्पेक्टिव टू एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर सच एज़ स्ट्रक्चुर फंक्शनिजम कॉन्फ्लिक थीरी सिम्बॉलिक सारे परस्पेक्टिवस uh, को हम वन बाई वन अगले आने वाले मोड्यूल्स में भी देखेंगे तो टिपिकली स्पीकिंग हम डिफरेंट लेंजेज या डिफरेंट ग्लासेज लगा के माशरे को देखने की कोशिश करते हैं देन अपलाइंग द सोशलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड थीरीज़ इन रियल लाइफ सिचुएशन एंड ईशूज़ और फिर इन पर्सपेक्टिव्स को एक दफ़ा जब हम अंडरस्टैंड कर लेंगे इनकी बुनियाद के ऊपर इनकी जो ग्लासेस हैं जब एक दफ़ा हम लगा लगाने के काबिल हो जाएं तो हम मुआरों के माशरों के अंदर मौजूद जो रवैये होते हैं उनको भी हम इनके थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं इनके थ्रू फोकस कर सकते हैं और इनके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं अगेन फूड फॉर थाट फॉर यू एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल दैट इज़ द एक्म्पल फ्राम पाकिस्तानी सोसाइटी The analyzing the impact of honor culture on individual behavior and social relationship, जो ये हमारा इज्जत का कॉन्सेप्ट है इसको किस तरह से देखा जा सकता है मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चुरंक्श इसको कैसे देखते हैं सिम्बॉलक इंट्रैक्शनज किस तरह से देखते हैं या किसी भी डिफरेंट लेंस से हम इसको देखने की अगर कोशिश करें तो क्या इसकी कोई एक ही एक्सप्लेशन हो सकती है या डिफरेंट पॉसिबल एक्सप्लेशन हो सकती हैं तो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ different perspectives to understand the same phenomenon.